जिस हिसाब से बातें बन रही है तो पवन सिंह के ऊपर भी FIR का जो है सो नाम आया को कोई बुलाकर वहाँ मार रहे हैं, इनको इधर ये कर रहे हैं, होते होते केस मुकदमा तक का दौर आ गया। गरिमा के खिलाफ कार्य हो रही है, कुछ लोग अश्लीलता परोस कर भोजपुरी को बदनाम करने की कोशिश, चालबाजी करके कि किसी आप मॉडल का इस्तेमाल करके उसको बुलाएंगे इंटरव्यू के नाम, तो स्टारों के बीच का झगड़ा इस कदर हो जाना, कोई आदमी आप खेसारी लाल यादव स्टार दौर है कॉमर्शियलाइजेशन के इस दौर में सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए उसकी गरिमा और मर्यादा दोनों का कोई जो सीमा है वो रहा। मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद आए दिन चलते आ रहा है पवन जी और खेसारी जी को लेकर के, उसमें लड़ाई होते होते अब केस मुकदमा तक बात चली गई है। और अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती जी जुड़े हुए हैं, खेसारी लाल यादव जी के एडवोकेट हैं, और इनसे जानेंगे कि ये विवाद क्यों आखिर इतना बढ़ती जा रही है और भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद या फिर इतने अलग अलग तरीके की जो कंट्रोवर्सी चलती है, कभी विवाद होते होते किसी के पक्ष के लोगों को मारते पीटते हैं और कभी उनको प्रताड़ित करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, अभी जो विवाद चल रहा है पवन सिंह जी और खेसारी जी को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी जितनी अपनी लोकप्रियता बढ़ाती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसमें बहुत सारे भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं तो सिनेमा जगत के, उन लोगों का अहम योगदान है। वो चाहे वो वर्तमान परिस्थिति में मनोज तिवारी जी हों, खेसारी लाल यादव हों, रवि किशन हों, पवन सिंह इत्यादि लोगों का बहुत अहम योगदान रहा है वर्तमान में, और इससे पूर्व में भी बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। तो अभी जो ये भोजपुरी में अब ये इसकी गरिमा के खिलाफ कार्य हो रही है, कुछ लोग अश्लीलता परोस कर भोजपुरी को बदनाम करने की कोशिश किए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में दो स्टारों के बीच का झगड़ा इस कदर हो जाना, कोई आदमी आप खेसारी लाल यादव स्टार हैं और वो उनको किसी के कह देने से कोई ये नहीं हो सकता, या पवन सिंह भी स्टार हैं तो उनके बुराई कर देने से उनका ये नहीं होता है, लेकिन ये लड़ाई जिस तरीके से उनके समर्थकों को कोई बुलाकर वहाँ मार रहे हैं, इनको इधर ये कर रहे हैं, होते होते केस मुकदमा तक का दौर आ गया है, जो कि भोजपुरी के उत्थान के लिए बहुत अवरोधक पैदा होगा। इसीलिए सभी कलाकारों को ये सोचना चाहिए कि भोजपुरी है तब आप कलाकार हैं, क्योंकि भोजपुरी भाषा ने ही आपको पहचान दिया है, और ये जितना इन लोगों में के बीच लोकप्रियता रहेगा उतने ही इन लोगों का को भी लोग सुनेंगे और जानेंगे। तो जिस कहते ना कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए, तो जिस भोजपुरी जगत ने आपको इतना सम्मान दिया, पहचान दिया, और उस भोजपुरी जगत को आप लोग यदि इस तरह से करेंगे तो थोड़ा गलत होगा। खास करके कैमरा पर आने का, हर आदमी की अपनी निजी ज़िंदगी होती है, सभी खाते पीते हैं, लेकिन यदि आप कैमरा पर आते हैं उस टाइम में नशे में होते हैं तो लोग आपको देखकर भोजपुरी के बारे में भी एक छवि बनाने लगते हैं। तो जब भी कैमरा पर आते हैं या कोई पब्लिक प्लेस पर जब आपका कोई बयान आता है तो उस टाइम में और भी बहुत सलीके की ज़रूरत होती है। रही बात जहाँ तक केस मुकदमे का, तो जिसके साथ यदि कोई इनजस्टिस होगा तो उसके पास अधिकार होता है कि किसी के साथ मारपीट होती है, किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो वो न्यायालय में जाते हैं या थाने पर जाते हैं। तो ये केस मुकदमे का दौर जारी हो चुका है और केस भी हुआ है, थाने से केस हुई है खेसारी जी की तरफ से। खेसारी जी का देखिए कोई क्रिकेट टीम नहीं है कि आप कहेंगे टीम, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी उसने अपनी शिकायत की है, इधर से भी शिकायत हुई है दोनों तरफ से, तो ये केस मुकदमा का दौर अब जारी हो गया है। अच्छा सर, जिस तरीके से महेश पांडे को लड़की के द्वारा बुलाया गया और उसको जबरदस्ती मारा पीटा गया और जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि कहो कि पवन सिंह शेर हैं, पवन सिंह सलमान खान हैं और पवन सिंह स्टार हैं, क्या इस तरीके का काम करना सही है? देखिए, सही और गलत का फैसला तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना इस तरीके से चालबाजी करके कि किसी आप मॉडल का इस्तेमाल करके उसको बुलाएंगे इंटरव्यू के नाम पर और उसके साथ, तो ये परंपरा होगा तो कोई भी आदमी सेफ नहीं रहेगा।
जब आप चालबाजी करके किसी को बुला सकते हैं तो इधर भी लोग चालबाजी करके आपको बुला सकते हैं, आपको भी, तो ये अपने लिए भी खतरा होता है। आप यदि दूसरे के लिए गड्ढा खून देंगे तो आप भी गिर सकते हैं उसमें। इसीलिए ये गलत परंपरा का जो है सो शुरुआत नहीं करना चाहिए। और किसी भी, हर आदमी की गरिमा है और हर आदमी की आज़ादी है। कोई आदमी आपके समर्थक होंगे तो ताली भी देंगे, और कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या करेंगे वो गाली भी देंगे। तो खास करके स्टार बनने के लिए पहला गुण ये होता है कि आपको बहुत चीज़ों को संभाल के रखना होता है, बर्दाश्त करके रहना होता है चीज़ों को। बहुत ही हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जनता है, पब्लिक है। इसीलिए पर्सनलाइज, कोई आदमी आपको यदि आलोचना कर दिया तो उसको आप पिटवाना या पीट रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं होता है। क्योंकि एक दूसरे को, बहुत सारे लोगों को जो है सो शत्रु भी होते हैं, तो उस चीज़ को यदि आप स्टार हैं तो स्वाभाविक है कि आपके आलोचक भी होंगे, और आलोचक को इस तरीके से ये करना ये लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से पवन सिंह का टीम कह लीजिए या फिर उनके सपोर्टर विशाल सिंह महेश पांडे के साथ गलत किए हैं, और क्या लगता है कि पवन सिंह इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट किए होंगे या फिर पवन सिंह का हाथ है, या आगे चल के पवन सिंह भी फंसने वाले हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि ये अनुसंधानकर्ता जो पुलिस होते हैं वो किनका हाथ होता है वो लाते हैं। लेकिन एक चीज़, जिस हिसाब से बातें बन रही है तो पवन सिंह के ऊपर भी FIR का जो है सो नाम आया हुआ है। बाकी अनुसंधान में देखिए क्या होता है। उनके तरफ से शिकायत यही लगाई गई है, अब शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR किया है, तो यही सब चीज़ है। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल रहेगा सर, पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं थे और वो भी काम करते थे, और जिस तरीके से आज भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, और जातिवाद को लेकर के हमेशा कंट्रोवर्सी होते रहता है, गलत गलत गाना ला रहे हैं, तो क्या ये उचित है या पहले के अकॉर्डिंग क्या सही हो रहा है? देखिए, हर चीज़ के स्तर में अब गिरावट होने लगी है, हर सेक्टर की बात मैं कह रहा हूँ। तो पहले लोगों का एक आदर्श था, पैमाना हुआ करता था। अब जो दौर है कमर्शियलाइजेशन के, इस दौर में सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए उसकी गरिमा और मर्यादा दोनों का कोई जो सीमा है वो रहा नहीं। तो लोग अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी इस तरह का चीज़ करते हैं। हर लोगों का अपना अपना आज़ादी है। बाकी समाज में भी कुछ लोग हैं जो विवादास्पद चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और व्यूअरशिप के चक्कर में भी ये सब चीज़ होता है। तो ओवरऑल यही समझिए कि भोजपुरी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। यदि इतने दो बड़े स्टार लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि भोजपुरी को एक माँ के तौर पर देखिए, और एक माँ के सामने दो बच्चे यदि लड़ेंगे तो माँ का तो सीना छलनी होगा ही, तो भोजपुरी की स्थिति खराब होगी। इसीलिए सभी लोगों में आपस में मेल मिलाप करके रहना चाहिए। यदि खेसारी लाल यादव तरक्की कर रहे हैं तो अपने मेहनत के बदौलत कर रहे हैं और उनके अंदर टैलेंट है, तो आप उनसे बेहतर मेहनत कीजिए, क्या पता आप उनसे भी बेहतर बन सकते हैं। लेकिन एक दूसरे को इस तरीके से जलील कर कोई बड़ा स्टार नहीं बन सकता है। इतना ही रहने दीजिए, इससे ज़्यादा क्या करना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जिस तरीके से शिवनंदन भारती जी ने बताया कि भोजपुरी की स्तर कितनी नीचे जा रही है, और जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में व्यवहार हो रहा है वो कहीं से भी सही नहीं हो रहा है। आप क्या सोचते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में और उनके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं स्टार के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।